गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक इन अवर अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग हमारा रिटायरमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे। आज हमारी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं आपके टीएस ग्रेवाल के, जो कि आप लोगों को करने बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के इस चैप्टर का। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं टीएस ग्रेवाल के, हम लोग उसमें पढ़ते हैं आगे। लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने हमारे डेथ के कुछ क्वेश्चंस करे थे एग्जीक्यूटर अकाउंट से रिलेटेड, जिसके अंदर कैपिटल डिजीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट था वो और आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट दोनों हमारे बन रहे थे। अब आज की वीडियो में हम लोग हमारा पूरा फुल फ्लैश्ड डेथ का क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। यस का सबसे पहले मैंने आपका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर उठाया है 81, ठीक है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक खोल के बुक में भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, और जिसके पास नहीं है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अलग से लिखा भी है। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 3:2:1। जेड की डेथ हो गई है 30 जून 2018 को, साल के बीच में वो मर गया। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की, जिसमें से आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तीनों के। इस बार आपको करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। रिजर्व दे रखा है, रिजर्व बटेगा बिल पेबल और क्रेडिटर्स, ठीक है। इधर एसेट्स में कुछ दे रखा है आपको, जो आपका बटने वाला है। एक तो आपका जेड करंट अकाउंट दे रखा है, बटेगा नहीं, लेकिन आपको ये अलग से टर्म दे रखी है। और क्या दे रखा है? कुछ है नहीं हमारे पास, और कुछ नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन, अब आगे क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं पार्टनर्स के थ्रू हम लोग वो देखते हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज एट 5% ऑन डेटर्स, बढ़ गया हमारा प्रोविजन, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। वाइल्ड मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, मशीनरी जो है वो घट गई है 10% से। फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% and 10% रिस्पेक्टिवली, मतलब जो फर्नीचर है वो 5% बढ़ाए, स्टॉक जो है वो 10% बढ़ाए, ठीक है। आगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ₹4200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, देयरफॉर इट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि वो बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आपका कहीं पे भी नहीं था, लेकिन अब आगे जो आने वाला साल है उस आगे आने वाले साल में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको एडजस्ट करना है। किसको? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, जो कि आपका 4200 का है, कर देंगे रिवैल्यूएशन में, नो प्रॉब्लम। तीन पॉइंट तो हमारे रिवैल्यूएशन के हो गए। अब नीचे के पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चेंज है। रिवैल्यूएशन तो अब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं। देखिए, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल दे रखी है हमें फर्म की 60,000, ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू बी शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। लीजिए क्लास, अब तक आप लोग क्या करते आ रहे थे कि आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा था कि गेनिंग रेशो अलग से निकालनी ही नहीं है हमें। गेनिंग रेशो वही बन जाती थी रिमेनिंग जब पार्टनर चला जाता था, जो पार्टनर मर जाता था उसके बाकी का जो बचा हुआ आपका रेशो था वो आपका गेनिंग रेशो बन जाता था रिमेनिंग पार्टनर्स का, यही करते थे। बट इस बार आपके पास क्वेश्चन ने न्यू रेशो भी दे दी, जिसकी वजह से आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री है वो भी बदल जाएगी। आते आगे चलो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2018 का, जो आपको पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 8,16,000 and Z share of profit till the date of death is to be determined on the basis of profit for the year ended 31st March 2018। यानी कि इस profit के basis पे ही हम लोगों को जो Z died हुआ है उसका share of profit निकालना है। ये तो हम लोग करते आए हैं, कोई problem ही नहीं आनी चाहिए। पिछले 3-4 questions, 5-6 जितने भी questions हमने करे हैं सब में हम लोगों ने यही अपना तरीका अपनाया है। आगे चलते हैं। द फिक्स कैपिटल मेथड, अब ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को क्लास। फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इन टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाय ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंसेस टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पॉइंट के अंदर वो क्या बोल रहा है कि जो आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट है, जो यहाँ पे करंट अकाउंट खुले हुए हैं, उनको हमें ट्रांसफर करना है किसमें? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। समझ में आई बात कि जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट ऑलरेडी ओपन है उसको हमें किसमें ट्रांसफर करना है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये हम लोगों ने एडमिशन वाले भी चैप्टर क्वेश्चन में करा था, आप लोग देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या क्या प्रिपेयर करना है हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार हमें तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है क्लास, सिर्फ डिजीज का नहीं बनाना, ठीक है। सी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट टू शो, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, लेकिन साथ में क्या शो करना है? दैट सी इज एग्जीक्यूटर बट पेड इन
टू हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। सी को इस बार दो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जा रही है, प्लस 10% पर एनम, जिसमें 10% पर एनम जो है वो अनपेड बैलेंस के ऊपर लगेगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31st December, जिसमें से आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 31st December को जाएगी। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, हम लोग पहले वो बनाते हैं। और उससे भी पहले मैंने आप लोगों को ये बोल रखा है कि वर्किंग नोट मैं आप लोगों को पहले करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ पे जगह की कमी की वजह से। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, जेड एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेट, और उसके बाद लास्ट में आपको वर्किंग नोट शो करनी है। समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ पे पहले करके दिखाती हूँ आप लोगों को जगह की कमी की वजह से। आइए सबसे पहले मैं हमारा क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं, मैंने बार बार बोला है जहां न्यू रेशो गिवन है सबसे पहले आपको कुछ नहीं करके गेनिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों लिख दिए मैंने। अब एक्स का पुराना ओल्ड रेशो क्या था, 3/6, 2/6 और 1/6। तो मैंने ओल्ड रेशो लिख दिया 3/6, 2/6 और 1/6, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग हमारा न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना था आपका, यहाँ पे आ जाइए, इक्वली बट रहा था फ्यूचर में, तो इक्वली यानी कि दो ही बचे, इसके तो मर गया, अब कितने पार्टनर बचे, दो, तो इक्वली में क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। अब गेनिंग शेयर जो आपका आएगा उसमें इसका तो जीरो हो गया, अगर आप 3/6 में से 1/2 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। अब कौन बचा, सिर्फ कौन गेन कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, जिसका क्या आएगा -1/6। ठीक है, और Z के लिए मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन में बार बार समझाया है कि यहीं पर ही इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का। तो कितना शेयर था आपके पास, गुडविल कितनी थी फर्म की, 60,000 थी, तो 60,000 को अगर मैं उसके शेयर से इंटू कर दूं तो Z की गुडविल के शेयर आ गए कितनी, 10,000, क्योंकि उसका शेयर कितना था 1/6, और 1/6 को 60,000 से इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये आ गया मेरा Z का शेयर ऑफ गुडविल। इस बार जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स वाई टू जेड गलत, क्यों, एक्स नहीं आएगा इस बार, एक्स कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स गेन नहीं कर रहा है, ना ही एक्स गेन कर रहा है, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसलिए सिर्फ कौन आएगा इस बार डेबिट में, वाई आएगा। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड 10,000 और 10,000। ठीक है, ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इस जर्नल एंट्री में, फिर भी मैंने आपको दोबारा समझा दिया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट शेयर का, जो कि आपका पॉइंट नंबर था, आपका था सिक्स पॉइंट नंबर के अंदर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो आपका प्रॉफिट था 8,16,000, इसका निकालना है। क्या फॉर्मूला है, जो प्रॉफिट है वो इनटू कब मरा है, वो जून में मरा है, 30 जून को, तो अप्रैल से जून तक कितने महीने हो गए, 3 महीने, इंटू 3/12 और इंटू जो उसका शेयर है 1/6, शेयर कितना था 1/6, तो यानी कि उसका प्रॉफिट कितना बन गया 34,000। हमें उसे कितना प्रॉफिट देना है दोनों पार्टनर्स को मिलके, 34,000। क्या इस बार जर्नल एंट्री में हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे क्लास, नहीं। जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं वो पिछली वीडियो में जाके एक बार अपने आप दोबारा से जो मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई थी उन्हें चेक करिए, मैंने जानबूझ के लिखा था यहाँ, इस बार आपका पीएनएल सस्पेंस नहीं आएगा, इस बार आपका आएगा जो गेनिंग पार्टनर है। मैं बार बार समझाती आई हूँ आप लोगों को, जब भी न्यू रेशो गिवन होती है तो प्रॉफिट की जो जर्नल एंट्री होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट की डिजीज पार्टनर की, वो गेनिंग टू डिजीज बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गेन कौन कर रहा है, सिर्फ वाई कर रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा वाई टू जेड। समझ में आई बात वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, कितना शेयर था उसका 34,000 और 34,000। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये इसमें आपका नया पॉइंट आया है अब तक जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको डेथ के, अभी तक ये वाला पॉइंट किसी मेन क्वेश्चन में आया नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन के आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं स्टार्टिंग के, तीनों पॉइंट में से हम लोग लिख देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो आपका इंक्रीज हो गया 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भर गया कितना था 50,000, उसका 5% और इंक्रीज हुआ है कितना हो गया 2,500 हो गया। आगे बढ़ते हैं, वाइल मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, मशीनरी घट गई 10% से, मशीनरी कितनी थी आपकी 2,40,000, तो 10% से कम हो गई तो कितना आ गया 2,40,000 का 10% 24,000 आ गया, नुकसान हो गया कोई बात नहीं। फर्नीचर और स्टॉक
दोनों बढ़े हैं, दोनों में फायदा हुआ है। कितना कितना? 5% फर्नीचर में और 10% स्टॉक में। तो बाय फर्नीचर और बाय स्टॉक आ गया आपका। अब फर्नीचर कितना है? 1,50,000। और कितना बढ़ा? 5% बढ़ा। तो 1,50,000 का 5% कितना आ गया? 7,500। और स्टॉक जो है आपका कितना था? 64,000 था। और ये कितना बढ़ा है? 10% 64,000 का, 64,000 का 10% कितना हो गया आपका? 6,400। तो मैंने स्टॉक में लिख दिया 6,400। और नीचे आपको एक पॉइंट दिया था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का, कि जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है आपका क्लास, वो इस बार रेज हुआ है, वो इस बार बढ़ा है। तो हम लोग वो क्या कर देंगे? ये आपका फायदा होता है तो हम लोग कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट में डाल देंगे 4,200। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होते, मैं इसका बैलेंस शीट में भी आपको बता देती हूँ क्या होता। अगर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे होते तो ये आप अपनी एसर्ट साइड डाल देते, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को एसर्ट साइड में डाल देते। लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। क्लियर है? तो ये हमें फायदा हो गया 4,200 का, डाल दिया। और कोई हमारा था नहीं रिवैल्यूएशन का, दोनों साइड मैंने टोटल करी, मेरी क्रेडिट साइड बढ़ी आई 26,500। अब इनको टोटल करके, सॉरी डेबिट साइड बढ़ी आई है इस बार, क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड बढ़ी आई है। डेबिट साइड कितनी है? 24,2500, 26,500, 26,500। इस बार हमारे पास क्रेडिट में कम पैसा था, फायदा कम का हुआ तो नुकसान हो गया, बाय लॉस। कितना बचा बैलेंसिंग फिगर हमारी? 8,400। अब 8,400 को तीनों में मैंने बांट दिया, किस रेशो में बटता है? ओल्ड रेशो में। तो 8,400 को मैंने बांट दिया 3:2:1 में, जो कि आपका एक्स के हिस्से आया 4,200, वाई के हिस्से आया 2,800 एंड जेड के हिस्से आया 1,400। समझ में आ गया? ये तो अब तक पुराना ही सब कुछ चल रहा था जो हम करते आए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यस क्लास, अभी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन देखा कि रिवैल्यूएशन में कैसे कैसे हम लोगों ने चेंजेस डाले, वही जो पुराना हम लोग करते आए हैं अब तक। अब जो हम करने जा रहे हैं वो भी हम लोगों ने कर रखा है नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हम लोगों को सीखने हैं, वो भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। यस क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं बार बार बोलती हूँ, सबसे पहली चीज क्या डालते हैं हम लोग? उनका कैपिटल, उनकी कैपिटल, उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले मैंने डाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना था? 2,40,000, 1,60,000 और 80,000। मैंने डाल दिया 2,40,000, 1,60,000 और 80,000। और उससे भी पहले आप लोगों को क्या काम करना है कि जो पार्टनर डेथ हो रहे हैं जिसमें, उसको सर्कल कर लो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पार्टनर जा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता रखा था कैपिटल, लेकिन इसमें कोई आ थोड़ी रहा है जो कि कैपिटल लेकर आएगा, इसमें तो मर रहा है कोई, तो उसकी कोई कैपिटल का तो कोई वो है नहीं, उसकी कैपिटल हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं यहाँ पे। अब गुडविल की बारी आती है। गुडविल यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था हमारा जर्नल एंट्री, वो क्या थी? Y2Z थी, Y कर रहा था गेन। साथ ही साथ में आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो भी क्या था? Y2Z था। दोनों जर्नल एंट्री सेम थी, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को एक साथ में, जर्नल एंट्री को एक साथ में उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दूं? यहाँ पे भी वाई डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी वाई डेबिट हो रहा है, यहाँ पे जेड क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी जेड क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ मैं दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट का और आपकी वो वाली एंट्री, गुडविल वाली एंट्री, दोनों को मर्ज करके लिख रही हूँ। मर्ज करके लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट, यानी कि मैंने देखो यहाँ पे किसको, जेड को क्रेडिट करना है ना, जेड को क्रेडिट करा हुआ है, तो मैंने जेड को क्रेडिट कर दिया 44,000 से, 10,000 ये 34,000 आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट का। उसी तरीके से वाई को दोनों में डेबिट करना है, तो 2Z कैपिटल और वाई को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 44,000 से। क्लियर हुआ? आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों जर्नल एंट्री सेम है। अगर ऐसा होता कि शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर यहाँ पे होता तो वहां पे भी होता, क्योंकि दोनों की एंट्री सेम होती है, गेनिंग टू डिजीज पार्टनर, दोनों में यही होता है। तो आप इन दोनों को मर्ज करके भी यहाँ पे नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने बता रखा है आप लोगों को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था हमें? लॉस हुआ था। लॉस कहाँ जाता है? डेबिट में। तो 2 रिवैल्यूएशन 4,200, 2,800 और 1,400। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो चीज थी मैंने क्या बता रखी थी आप, फिफ्थ चीज मैंने क्या बताई थी आपको, बैलेंस शीट में कुछ अगर बटने का है तो उसे हम लोग यहाँ पे बांट देंगे। अब क्या है यहाँ पे, हमारा रिजर्व था उसको पहले बैलेंस शीट में सर्कल कर लिया करो। क्या था हमारा रिजर्व? था 60,000। और ये 60,000 किस में बटेगा? 3:1 में बटेगा। तो 60,000 को अगर मैं 3:1 में बांटूंगी तो 30,000, 20,000 और 10,000 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास। हमारा एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 7 क्या था?
फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि इस बार हम लोगों को जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था उसे फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, कि जो हमारे करंट अकाउंट थे ना तीनों पार्टनर्स के क्लास, इनको हम लोगों को कैपिटल में कन्वर्ट करना था, ट्रांसफर करना था। तो मैंने क्या करा, जो एक्स और वाई है उनको उठा के ऑपोजिट साइड डाल दिया हमारे पार्टनर्स कैपिटल में 16,000 और 5,000। एक्स और वाई के देखो, एक्स में 16,000 और वाई में 5,000, ऑपोजिट साइड चला जाएगा, याद रखना। इधर मैंने क्या करा, जेड का था कैप करंट अकाउंट कितना था 10,000, तो ये हमारा ऑपोजिट साइड में आ गया डेबिट साइड में 10,000 जेड के अंदर, टू करंट अकाउंट किसके में चला गया, ये जेड के में चला गया। बस इसके अंदर एक ये पॉइंट आपका नया था, बाकी आपको फिर वही सेम करना है, जो सबसे पहले जा रहा है उसकी कैलकुलेशन करो। दोनों साइड मैंने टोटल करी 1,34,000 जेड का आया, क्या आया क्रेडिट साइड बढ़ी आई, तो यहाँ बच गया 2Z एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना था हमें, जो कि आपका बैलेंस बचा 1,22,600, यानी कि 1,34,000 में से मैंने माइनस कर दिया 11,400 को, तो मेरा कितना बचा 1,22,600। बैलेंसिंग फिगर है नॉर्मल, उसी तरीके से एक्स और वाई की बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए आप। एक्स और वाई की बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, दोनों साइड में से टोटल कौन सी बढ़ी आ रही है, दोनों की क्रेडिट बढ़ी आ रही है 2,86,000 1,85,000, मैंने दोनों साइड लिख दी 2,86,000 एंड 1,85,000 दोनों साइड लिख दी। अब इसमें से मैंने माइनस करा 2,86,000, यानी कि एक्स वाले में से तो खाली 4,200 माइनस हो रहा है आपका, तो माइनस कर दिया, मेरा आंसर कितना आया 2,81,800। और वाई की बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 1,85,000 में से अगर मैंने 44,000 और 2,800 माइनस करा तो मेरी बैलेंस कितना बच गया 1,38,200। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वैसे ही मैंने तीनों की बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। अब हम लोग हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर चलते हैं कि एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर वो हमें क्या करने के लिए कह रहा है, किस तरीके से हाफ इंस्टॉलमेंट के अंदर हम लोगों को डालना है, ये जो हमें ऊपर बोला है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। यस क्लास, अब हम लोगों का एग्जीक्यूटर अकाउंट बचा था, हम लोग हमारा जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट है इस पर देखो, उसने एग्जीक्यूटर के लिए क्या बोला था, ध्यान से सुनना, एग्जीक्यूटर वर पेड इन टू हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि देखो एक छह महीने ये हो गए और दूसरे छह महीने यहाँ पे हो गए। मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी बनाया है, 31/3/18 से आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से मैंने एक फाइनेंशियल ईयर बना दिया 31/3/19, दूसरा बना दिया 31/3/20 का, अब वो मरा था 30 जून को, तो 30 जून से पहला हाफ ईयरली कब हो गया 31/12 को, और दूसरा कब हो गया अगले 30 जून 2019 को, जिसमें उसको इंस्टॉलमेंट प्लस मिल रहा है 10% पर एनम ऑन अनपेड बैलेंस, जो फर्म के पास पैसा पड़ा है उसके ऊपर 10% उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देनी है 31/12 को, ये लिखा था क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग करते हैं हमारा, पहले मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर इन्हीं वैल्यूज को उठा के हमें हमारे एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालने है, इजी, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करा था। अब देखो 30 जून को वो मरा, 30 जून को फर्म के पास उसके पैसे थे 1,22,600। अब 6 महीने बाद डेट आई 31 दिसंबर 2018, ठीक, 6 महीने बाद दिसंबर की डेट आ गई उस दिन। अब उसने बोला था कि ये जो 1,22,600 है इसको दो इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 61,300 और 61,300, तो एक बार जो स्टार्टिंग में आपका इंटरेस्ट लगेगा वो पहला इंटरेस्ट तो भाई पूरे अमाउंट पे लगेगा ना, अभी तो फर्म के पास जेड का पूरा पैसा है, अभी उसने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, अभी वो देगा तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो पैसा था पूरा का पूरा उसका 10% और 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने हुए ना अभी हम लोगों को, 6 मंथ्स हुए हैं, तो 6 महीने का तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 6,130 बना। तो मैंने क्या करा 6,130 में 6,130 को ऐड करा तो टोटल अमाउंट आपकी बनी 67,430 जो उसे पहले बार में पे करनी है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे चले आगे चले आगे चले, 3 महीने बाद हमारा फाइनेंशियल ओवर हो गया। अब हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि अगले 6 महीने का एक साथ लगा दें, हमें फाइनेंशियल ईयर ओवर करने में जब हम लोगों को ये अकाउंट को क्लोज करना है, कैरेट टर्म निकालना है, तो हम लोगों को ये 3 महीने का पहले निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोग हमारा कैरेट टर्म निकालेंगे। तो देखिए अब जब हम लोगों ने पहले इंस्टॉलमेंट में उसको आधा पैसा पेड कर दिया, यानी कि ये जो पहले वाला ये पेड कर दिया, तो अब फर्म के पास कितना पैसा बचा उसका 61,300 बचा, यही बचा ना, तो इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग 10% और 3 महीने के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जब कैरेट डाउन निकालेंगे तो सिर्फ 3 महीने का ही तो निकालेंगे ना,
अभी हम उसे दे थोड़ी रहे हैं जो कि पूरे 6 महीने का निकाल देंगे, तो 3 महीने का जब निकालेंगे तो 1533, यानी कि इस जो 3 महीने का निकलेगा जनवरी से मार्च तक का, वो 1533 निकलेगा। फिर हमारा हम लोगों ने क्या करा, हमारा ब्रॉड डाउन बना दिया, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाया। जब ब्रॉड डाउन बनाया ना, तो फिर अगले 3 महीने का हम लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट लगाया। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद वो तो 30 जून को लेने आएगा ना अपना पैसा, तो 3 महीने बाद फिर हम लोगों ने लगाया 1533 लग गया। अब हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों को प्लस करके हमारे प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, और जब वो 30 जून को पैसा मांगने आया तो हम लोगों ने उसे पैसा दे दिया 64,365। ठीक है, अब इसी को हम लोग हमारे इसमें डाल देते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं हमारी कैलकुलेशन को, ड्राइंग को। देखिए आपका क्या आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये बन गया आपका फॉर्मेट। सबसे पहले 30 जून को वो मरा तो हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में जेड एग्जीक्यूटर डाला था, तो यहाँ आ जाएगा बाय जेड कैपिटल अकाउंट, आ गया कितना, आ गया 1,22,600, यही अमाउंट आएगी ना। उसके बाद अब 31 दिसंबर को यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं 1,22,600 का 10% 6 महीने का, तो मैंने इंटरेस्ट लगा दिया 6,130 लगा दिया ना पहला इंटरेस्ट। अब 31 दिसंबर को ही वो पैसे मांगने आ गया, भाई जेड का बेटा पैसे मांगने आ गया एग्जीक्यूटर कि भाई मुझे पैसे तो मेरे प्रिंसिपल के साथ, तो 61,300 उसका प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट 6,130, हम लोगों ने उसको पे कर दिया 67,430 रुपीज, लो और तुम जाओ, चला गया वो। अब हमें क्या करना है, हमें तो भी हमारा अकाउंट क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करने के लिए 3 महीने का तो इंटरेस्ट हमें दिखाना पड़ेगा, तभी हम कैरी डाउन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि 31 मार्च को पहले मैंने इंटरेस्ट दिखाया 3 महीने का 1533 जो हमने यहाँ दिखा रखा है, कैलकुलेशन मैंने आपको निकाल के दिखाई है। उसके बाद मैंने 31 मार्च को मेरा बैलेंस क्या करा, कैरेट डाउन निकाला, दोनों साइड टोटल करी, मेरी आ गई 1,30,263 और मेरा बैलेंस बच गया 62,833 जो उसे पेड करना, जो बैलेंस कैरेट डाउन बचा है, सॉरी पेड नहीं करना, जो बैलेंस कैरेट डाउन बचा है। अब अगला फाइनेंशियल ईयर मेरे यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2019 से। अब मैंने क्या करा, पहले तो इसको क्या बनाया, ब्रॉड डाउन बना दिया 62,833 को, ब्रॉड डाउन बना दिया। अब सबसे पहले मैं 3 महीने का क्या निकालूंगी, इंटरेस्ट निकालूंगी। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 30 जून को, 3 महीने का कितना निकला था 1,532, राउंड ऑफ करके कर दिया मैंने 1,532। ठीक है, अब जो मेरा ये इंटरेस्ट था और जो मेरा पिछले साल मैंने जो इंटरेस्ट लगाया था, इन दोनों को ऐड करके मैं उसके प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगी। भाई 30 तारीख को जो वो मांगने आया उसको तो पूरे 6 महीने का देंगे ना, तो हमने 3 महीने का तो पिछले साल लगा रखा था, ये प्लस में आपका जो हमने इस साल लगाया ये, इन दोनों को प्लस करके जो हमारा बना 3,069 रुपीस प्लस हमारा जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, दोनों को प्लस करा और जो उसकी अमाउंट बनी वो हमने उसे पेड कर दी, दैट इज योर 64,365। दोनों साइड बैलेंस करोगे तो अपने आप ही इक्वल आएगी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इसी की तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल आई यस क्लास। अभी हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन नंबर 81 देखा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देख रहे हैं आपके टीएस ग्रेवाल का, जो कि ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप लोगों का ये ध्यान से देखना और सुनना, बार बार बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है और ध्यान से सीखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई जेड इन 3 पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 5:3:2। अब 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है, इधर क्रेडिटर्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटने के लिए दे रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ठीक है, आगे आपका कैपिटल दे रखा है, इधर से गुडविल दे रखी है आपको, पेटेंट्स है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, लोन टू जेड आ गया, जो आप लोगों की क्लास ये बटने वाले होते हैं ना, रिजर्व हो गया चाहे लॉसेस पूरा जो भी है उसको पहले सतर्क कर लिया करिए, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करें ना तो आप लोगों को ध्यान में रहे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को बांटनी है। उसके बाद कैश एट बैंक, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जेड की ड्रॉइंग, इट मीन्स आपके पास इस बार तो इतनी सारी चीजें आ गई आप लोगों को जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालनी है। आगे बढ़ते हैं, जेड मर गया, कब मरा, 1 अप्रैल, अरे वाह, ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि 31 मार्च को हम लोगों ने हमारे अकाउंट्स क्लोज करे और 1 तारीख को जेड मर गया, इसका मतलब उसका इस बार कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं निकलेगा, इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं हो सकती। एक्स और वाई शेयर कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:5 में, इसका मतलब आपको न्यू रेशियो गिवन है, इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 completed years प्रॉफिट, पिछले 4 साल के कंप्लीटेड प्रॉफिट्स के एवरेज प्रॉफिट के आपको क्या निकालनी है,
गुडविल निकालनी है बहुत इजी है आप लोग लिए, तो 14-15 का 1 लाख, 15-16 का 80,000, 16-17 का 82,000। आप कहोगे मैडम चौथा प्रॉफिट का है, चौथा प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इस चीज को भूलना मत। आगे आइए, सेकंड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 14,000, कोई बात नहीं, मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई 1,36,000 से। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे डेटर्स आपके गुड निकले। डेटर्स हुज ड्यूज ऑफ ₹400 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है ऊपर आपको दे रखा होगा, नहीं है नीचे ही गिवन होगा, विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये रहा कितना दे रखा है 2200, कितना दे रखा है 2200। बी कैरिड फॉरवर्ड इज प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको हमें कैरिड फॉरवर्ड करना है प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम में। नेक्स्ट, 1000 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ₹1,000 थे जो कि अब हमें पेड नहीं करने, जो कि अब आपके राइस नहीं हो रहे हैं, फायदा हो गया, अच्छी बात है। अ क्लेम ऑफ ₹1,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि एक मजदूर आया दौड़ा दौड़ा मेरा हाथ कट गया, मुझे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ₹1,000 चाहिए, तो वर्कमैन कंपेंसेशन आपने कितना बना रखा था यहाँ पे 7,000, 7,000 में से ₹1,000 ये ले जाएगा, जो भी मजदूर था आपका वर्कर था ले गया, तो बटेगा कितना खाली 6,000 बटेगा, 6,000 बांट देंगे, कोई बात नहीं। आगे आइए, इन्वेस्टमेंट में सोल्ड ₹8,200, इन्वेस्टमेंट बट गई, इन्वेस्टमेंट कितने की थी 66,000 की थी और गई कितने की 82 की, यानी कि 2200 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, अरे वाह। एंड अ सम ऑफ ₹11,200 भी पेड टू एग्जीक्यूटर, अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट आपका बदल गया कि जो 11,200 है, 11,200 एग्जीक्यूटर को, जेड के एग्जीक्यूटर को उसी टाइम पेड कर दिए कैश में। द बैलेंस टू बी पेड इन 4 equal half-yearly इंस्टॉलमेंट, ओहो इस बार तो 4 equal half-yearly आगे इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 8%, हर बार 10% आता था बहुत इजीली निकाल लेते थे, इस बार 8% है, कोई बात नहीं, एट हाफ ईयर रेस्ट। ओके, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, उछलो खुशी से, इस बार जेड का एग्जीक्यूटर बनाना ही नहीं है हम लोगों को, उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये सारी चीजें हम लोगों को इतनी पेन लेने की जरूरत है ही नहीं, तो आपको क्या बनाना है खाली रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हमने क्वेश्चन समझा बहुत अच्छे से, अब हम लोग हमारे सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या बोल रखा, क्या निकालना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैंने क्या करा, एक्स वाई जेड तीनों को उठा लिया, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए अपना, ओल्ड क्या क्या है 5/10, 3/10 और 2/10, तीनों का रेशियो लिख दिया माइनस, अब बचा कौन कौन, जेड तो खत्म हो गया, जेड को हटा दो, बचा कौन कौन एक्स और वाई 3:5, तो 3/8 और 5/8। जब मैंने इस बार निकाला ना क्लास, तो इस बार आपका जो एक्स है वो तो कर रहा था सेक्रीफाइस क्योंकि वो प्लस में आ रहा था, और जो वाई है ना वो कर रहा था गेन क्योंकि वो आपका आ रहा था माइनस में, तो इसका मतलब इस बार एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में एक पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा था, ना सेक्रीफाइस ना गेन, और एक पार्टनर आपका गेन कर रहा था, बट इस बार एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, कोई बात नहीं मैम, इसमें डरने वाली क्या बात है, क्यों भाई क्लास। आगे हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है जेड की, क्योंकि भाई हमें बांटनी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो, शेयर ऑफ गुडविल हमें उसने बोल रखा था पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट लेना है, 1,80,000 और 82,000। नेक्स्ट जो लास्ट फोर्थ दे रखा था इस साल का, वो आपको बैलेंस शीट में दे रखा था 1,50,000। बार बार बोलती हूँ, अगर एसेट्स में दे रखा होता है तो हम माइनस करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइबिलिटी में होता प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं, तो माइनस कर दिया मैंने 1,50,000 डिवाइडेड बाय में 4 × 2.5 कहाँ से आया आपका, आपका ईयर परचेज 2.5 2.5 years, तो आपका आंसर आ गया 70,000, यानी कि आपकी फर्म की गुडविल कितनी बन गई 70,000 बन गई। अब हमें जो मर गया सिर्फ उसका शेयर निकालना है, फिलहाल जेड का शेयर कितना है 70,000 इंटू उसका रेशियो क्या था 2/10 उसका शेयर, तो 2/10 से मैंने क्या कर दिया इंटू कर दिया, जो कि आपका आंसर आ गया 14,000, मतलब जेड का शेयर गुडविल में कितना आया 14,000 आया। ठीक है, अब आपकी क्या जर्नल एंट्री बनती है, गेनिंग 2 डिजीज और 2 sacrificing, अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो 2 में चला जाता है, यही करते हैं हम लोग, तो गेन कौन कर रहा है वाई, तो मैंने डाल दिया वाई, गेन वाई कर रहा है ना, तो वाई कैपिटल अकाउंट 2, मरा कौन है जेड, और 2 sacrifice, इस बार sacrifice कौन कर रहा है एक्स कर रहा है, तो 2x।
इस केस में मैंने आप लोगों को इनकी वैल्यूज भी निकालनी सिखाई है कि जो जेड का है ना 14,000 वो तो मैंने जेड में लिख दिया, जेड का तो हमने शेयर निकाला था 14,000, लेकिन जब एक गेन और एक सेक्रीफाइस करते हैं ना क्लास, तो हम लोगों को उनके शेयर इससे हम लोग बांटते नहीं है। उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी गुडविल जो फर्म की आती है ना, उसको हम इन दोनों के सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर से इंटू कर देते हैं। यानी कि जो 70,000 हमारी फर्म की गुडविल आई है, 70,000 को ही हम लोग एक्स के शेयर से इंटू कर देंगे और 70,000 को ही हम वाई के शेयर से इंटू कर देंगे। तो हमारी इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स की आ गई 8,750 और वाई की आ गई 22,750। उस टाइम पे हम लोग इसमें से नहीं निकालते हैं, हर बार तो हम लोग इसमें से रेशो में बांट देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस केस में आपका एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, उस केस में हम फर्म की गुडविल को इंटू करते हैं हमारे पार्टनर्स के शेयर से, तब आपकी वैल्यू निकल के आती है तीनों की। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन बनाना है। पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट और क्रेडिट। अब आगे आ जाइए, इधर क्या क्या दे रखा था आपको? स्टॉक जो है वो आपकी अंडर वैल्यूड हो गई है 14,000 से, क्या हो गई? बढ़ गई आपकी। यहाँ पे कहा है स्टॉक, डायरेक्ट उसने क्या वैल्यू दे रखी और उसने बोल रखा है अंडर वैल्यूड हुई है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाय स्टॉक 14,000। मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 1,36,000, यानी कि मशीनरी आपकी घट गई, नुकसान हो गया, तो 1,36,000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डेटर्स जो थे वो गुड थे। ऑल डेटर्स हूज ड्यूज ₹400 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे कितने थे आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? 4,000 थे। सारे डेटर्स गुड है, तो क्या हो गया यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया? 4,000। हमें किसी भी प्रोविजन की जरूरत नहीं है अगर हमारे सारे डेटर्स गुड है तो। ठीक है, क्लास ये 13,600 था, दोबारा से करेक्ट कर देती हूँ, ये 13,600 है, आपके क्वेश्चन में भी 13,600 है, यहाँ पे मेरे देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट आइए, डेटर्स जो है ₹400 के जो रिटर्न ऑफ करे थे बैड डेट्स, उसको 50% में फुल सेटलमेंट कर दी, तो हम लोग क्या करेंगे? बाय कैश अकाउंट से जो बैड डेट रिकवर्ड हुए ना 50%, वो हम लोग बाय कैश अकाउंट के नाम से डालते हैं, याद रखना इस चीज को, और ब्रैकेट में डाल देंगे बैड डेट रिकवर्ड, ताकि आपको याद रहे कि ये ₹200 जो कैश अकाउंट लिखा है ना वो आपका कहां से आया है? बैड डेट जो रिकवर्ड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम की बारी आ गई, विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 2,200 थे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के, जो कि कैरिड फॉरवर्ड हो गए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, तो हमने यहाँ डाल दिया बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,200, हमें तो फायदा ही हुआ ना इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो प्रीपेड हो गए तो फायदा हो गया। आगे आते हैं, 1,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी अराइज, ये भी फायदा हो गया, क्रेडिटर्स ₹1,000 के आए नहीं आपसे पैसे मांगने, तो बाय क्रेडिटर्स ₹1,000। आगे बढ़ते हैं, क्लेम ऑफ ₹1,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन भी प्रोवाइडेड फॉर, आपके वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए आए थे, वो हम लोग इसमें से डिडक्ट कर देंगे, उसको जोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड 8,200, अब जो इन्वेस्टमेंट है वो 8,200 की बेची थी और थी कितने की? 6,000 की थी, तो हमें कितने का फायदा हो गया? 2,200 का फायदा हो गया ना, तो बाय इन्वेस्टमेंट 2,200। क्लियर है? अब आगे और कोई पॉइंट था नई इन्वेस्टमेंट के बाद? फिर उसने एग्जीक्यूटर का पॉइंट डाल दिया था, तो हमने सारा रिवैल्यूएशन का हमारा यहाँ पे डाल दिया, दोनों साइड को देखा मैंने, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आई 23,600, जो बड़ी साइड होती है वो दोनों साइड लिख देते हैं। उसके बाद मेरा 23,600 में से अगर मैं माइनस कर दूं 13,600, तो कितने बचे? 10,000 बचे ना, 23,600 में से 13,600 गए, कितने बचे? 10,000 बचे, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई टू प्रॉफिट एक्स वाई जेड। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटता है, किसमें? ये बट जाएगा 5, 3 और 2 में। समझ में आ गया रिवैल्यूएशन, जब तक करते आए। अब हम लोग भरते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस क्लास, रिवैल्यूएशन करा हम लोगों ने, घबराने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वही सारी चीजें जो अब तक हम लोग करते आए हैं, तो इसलिए प्लीज डोंट बी अफ्रेड कि पता नहीं क्या नया आ जाएगा, आ रहा वही सारा पुराना है, बस कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स न्यू आ रहे हैं, जो आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आप फुल वीडियो देखेंगे, बीच बीच में से कट करके मत देखिएगा, ताकि अगर आप कट करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही सेम चीज जो भी हम कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, और फिर हम लोग इसमें से देखते हैं हमारे बैलेंस शीट या नीचे एडजस्टमेंट में कुछ अगर बांटने का है तो हम वो डाल देते हैं, दैट्स इट, फिर हम क्लोजिंग कर देते हैं।
आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 1,35,000, 95,000 एंड 74,000। मैंने तीनों पार्टनर्स की कैपिटल डाली 1,35,000, 95,000 और 74,000 और जेड को मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि कौन डाइड हो रहा है, जेड डाइड हो रहा है तो जेड को सर्कल कर दीजिए। उसके बाद हमारा गुडविल, गुडविल की हमारी क्या जर्नल एंट्री बनी थी क्लास, गेनिंग टू डिजीज और टू सेक्रीफाइस। इस बार हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था पार्टनर, तो हमारा वाई क्या था हमारा इस बार, बाय वाइज कैपिटल। इसका मतलब हमारे एक्स और जेड क्या थे, दोनों हमारे क्या थे, क्रेडिट थे ना, दोनों क्रेडिट हो रहे थे क्योंकि एक्स हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था, जेड हमारा डिजीज था, तो दोनों को हमें क्या दिखाना है, क्रेडिट दिखाना है। तो 8750 आ रहा था आपका एक्स का और 14,000 आ रहा था आपका जेड का अमाउंट, यही आ रहा था शेयर तो डाल दिया। और वाई क्या कर रहा था हमारा, डेबिट कर रहा था, वाई क्या गेन कर रहा था ना, तो वाई डेबिट। तो 2x और 2z 8750 एंड 14,000 से हम लोगों ने क्या करा, वाई को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद मैंने क्या बता रखा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ था, अभी प्रॉफिट हुआ था, तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, बाय रिवैल्यूएशन 5000, 3000 एंड 2000। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट की साइड बढ़ते हैं, बैलेंस शीट में जो जो चीजें होती है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 7000। क्या इन्वेस्टमेंट का कोई हम लोगों ने रिजर्व में से पैसा निकाला था, नहीं निकाला था, तो इस 7000 को मैं बांट दूंगी हमारी ओल्ड रेशियो में जो कि आपकी क्या है, 5:3:2, 3500, 2100 और 1400। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दिया। उसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लेकिन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 1000 रुपए एक वर्कर यहाँ से हमारे पास से ले गया, तो कितने बचे, 6000। तो यहाँ पे हम लोग कितने बांटेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में, सिर्फ 6000, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 5:3:2 में, दैट इज योर 3000, 1800 और 1200, तीनों बांट दिए। अब हमारे पास लाइबिलिटी में और कुछ नहीं था, नीचे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में आ जाए। बढ़ते हैं हम लोग एसेट्स की साइड, एसेट्स में क्या था, सबसे पहले पार हमारे पास क्या थी, गुडविल थी, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो 2 गुडविल 12000 को 5:3:2 में बांट दूंगी, 6000, 3600 और 2400, क्लियर है। उसके बाद नीचे चलो, नीचे चलो, लोन था आपका जेड का, लोन था तो 2 लोन टू जेड 1000 का लोन था, 1000 का लोन डाल दिया जेड की। उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेशक हमने वहां पे से डिडक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे बांटना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 1,50,000, किस रेशो में बढ़ जाएगा, 5:3:2 में, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस 75,000, 45,000 एंड 30,000, किस रेशो में बांटा है हमने, 5:3:2 में, क्लियर हो रहा है क्लास। उसके बाद लास्ट था जेड का ड्रॉइंग, तो जेड की ड्रॉइंग भी डाल दीजिए, 2z ड्रॉइंग कितनी थी, 12,000, तो मैंने 12,000 डाल दी। मतलब कुछ नहीं किया, जो आप वही पुराना करते आ रहे हैं ना, सेम एज इट इज वही करा है, कैपिटल डाली है, उनकी गुडविल डाली है, गुडविल का शेयर जो था, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस डाला, और लास्ट में मैंने बैलेंस शीट से चीजों को उठा के यहाँ पे अपना बांट दिया, राइट ऑफ कर दिया, वही सारी चीजें करी है, और अब तक हम लोग वही करते भी आए हैं। आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड को मैं बैलेंस करूंगी, पहले जो पार्टनर चला जाता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। जेड को मैंने दोनों साइड से बैलेंस करा, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आ गई 92,600, तो दोनों साइड मैंने क्या लिख दी, 92,600 लिख दी। अब कितना कम पड़ा यहाँ पे, अगर मैंने 92,600 में से ये सारी वैल्यूज को माइनस करा तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 47,200। अब रिटायरमेंट में क्या करते हैं, टू लोन अकाउंट डाल देते हैं ना, उसी तरीके से हम डेथ में क्या करते हैं, टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अब जेड तो मर चुका है, जेड तो पैसे लेगा नहीं, जेड का एग्जीक्यूटर पैसे लेगा, तो कितना हो गया, 47,200। अब बाकी के बचे पार्टनर्स को हम लोग बैलेंस कर देंगे। हमारी क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर्स की बड़ी आ रही है, एक्स की आ रही है 1,55,250 और वाई की आ रही है 1,19,000, ठीक है। दोनों साइड मैंने लिख दी बड़ी साइड, एक्स की भी मैंने दोनों साइड बड़ी लिख दी और वाई की भी दोनों साइड बड़ी लिख दी, बैलेंस कैरी डाउन बच गया दोनों का, एक्स का बचा, मैंने अपना टोटल में से ऊपर वाली दोनों इसकी बैलेंस माइनस करा तो मेरा कितना बचा, 74,250। उसी तरीके से वाई के टोटल में से मैंने वाई की ये सारी अमाउंट्स माइनस कर दी तो मेरा बैलेंस कितना बच गया, 30,550, क्लियर है। दोनों की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, 11th में भी आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, 12th में भी अभी तक निकालते आ रहे, तो आई होप कि बैलेंसिंग फिगर में एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हमें लास्ट बनाना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वही सेम जो हम पुरानी बनाते आए हैं, पुरानी बैलेंस शीट पे आ जाइए अपनी। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, भूल ना जाए इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हमारे कैपिटल अकाउंट को उतार दिया ऊपर से, एक्स का कैपिटल अकाउंट उतारा और
वाई का कैपिटल अकाउंट उतार दिया दोनों का एज इट इज 74,250, 74,250, 30,550, 30,550. अब इधर आते हैं, इधर आपके क्रेडिटर्स कितने हैं? 18,000. 1,000 के क्रेडिटर क्या हुए थे यहाँ पे? आपके पैसे मांगने नहीं आए थे, तो क्रेडिटर्स आपके कितने हो गए यहाँ पे? 17,000 हो गए. क्रेडिटर्स कितने थे? 18,000. और फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हो गए? 17,000, क्योंकि 1,000 के क्रेडिटर्स मांगने नहीं आए थे. नेक्स्ट आ जाइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा नहीं आएगा? सारा बट गया. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 6,000 तो बट गया, लेकिन 1,000 रुपए मांगने आया था ना उधारी आपसे, तो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी आपके ऊपर कितनी थी? 1,000 की. वो 1,000 रुपए मांगने आया था, तो 1,000 रुपए यहाँ पे आ गया. आपका कैपिटल हम लोग डाल चुके हैं हमारी. अब जैसे हम लोग लोन अकाउंट, याद करिए रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते थे, जो हमारा ऊपर लोन अकाउंट होता था उसे हम बैलेंस शीट में नीचे डालते थे ना, उसी तरीके से जो हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट है क्लास, वो भी आपका नीचे बैलेंस शीट में फिसल जाता है. समझ में आ रही है बात? टोटल अमाउंट कितनी थी? 47,200 थी. तो 47,200 में से हम लोग माइनस करेंगे जितना पैसा वो हाथ की हाथ ले गया. अब हमें उसे सारा पैसा तो नहीं देना ना, 47,200 में से 11,200 वो हाथ की हाथ कैश में इमीडिएटली ले गया, तो 11,200 हम लोग माइनस करके दिखाएंगे. 36,000 पैसा अब उसका हमारे पास बकाया है, क्योंकि 11,200 वो ले जा चुका है. अब आगे आइए, इसको भी भूल जाइए, इसको अभी भूल जाइए कि अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है. अब मैं आती हूँ एसेट्स पे. एसेट्स में गुडविल बढ़ गई, गुडविल नहीं आएगी. पेटेंट्स कितनी है? 52,000. तो पेटेंट्स कितनी आ जाएगी? 52, क्योंकि पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं था. मशीनरी 62,400. क्या मशीनरी में चेंज था? बिल्कुल था. मशीनरी क्या हुई थी आपकी? ओवर वैल्यूड हो गई थी 13,600 से. ओवर वैल्यूड हो गई थी, डेबिट में आई थी, नुकसान हो गया था, तो माइनस कर देंगे, जो कि आपके आंसर आ गया 48,800. कितना हम लोगों ने माइनस करा? 13,600. आगे आइए, इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 6,000. क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी बिक चुकी है 8,200 में, जिसमें से 2,200 हमने हमारे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिखा दिया. आगे बढ़ते हैं, स्टॉक. स्टॉक कितना था? 20,000. स्टॉक के अंदर कोई चेंज था यहाँ पे? बिल्कुल था चेंज. क्या था? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड 14,000. स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड हो गए थे 14,000 से, तो हमने क्या करा? 14,000 प्लस कर दिया, क्योंकि हमें फायदा हुआ था. 20,000 में 14,000 प्लस करा, कितना आया? 34,000 आ गया. नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेटर्स. हमारा प्रोविजन हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला था कि सारे डेटर्स क्या है आपके? गुड है. सारे डेटर्स गुड थे, तो हम लोगों का प्रोविजन खत्म हो गया. तो डेटर्स हमारे कितने आ गए? 24,000 आ गए. अब आगे बढ़ते हैं, लोन हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया. कैश एट बैंक. कैश एट बैंक में कितने पैसे हैं यहाँ पे क्लास? 600 रुपए. तो मैंने 600 रुपए अभी फिलहाल अंदर लिखे है, बाकी का मैं समझाऊंगी कहाँ से क्या क्या आया. अब उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है आपका? इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे 2,200 था आपका. कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस? 2,200 था ना. तो क्या कहते हैं, 2,200 हम लोग क्या करेंगे? अब आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या है? एसर्ट्स होती है प्रीपेड इंश्योरेंस, लाइबिलिटी एसर्ट्स रुपीज. क्या होती है आपकी? एसर्ट्स होती है ना प्रीपेड इंश्योरेंस. तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 2,200. तो मैंने 2,200 लिख दिया. अब हम लोग हमारे कैश एट बैंक को ध्यान से देखना है. ये मैंने पिछले क्वेश्चन में और आप लोगों को समझाया है कि हम लोग क्या करेंगे कैश एट बैंक में जो हमारे पास पैसा आता है और जाता है. सबसे पहले हमारे पास 600 रुपए थे, जिसमें से जो हम लोगों का बैड डेट रिकवर्ड हुआ था. यहाँ पे आप लोगों को 400 में से 50% का बैड डेट रिकवर्ड हुआ था, 50% में से फुल सेटलमेंट हुई थी, तो वो मैंने क्या कर दिए? प्लस कर दिए. क्लियर है? दूसरी चीज, हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेची थी क्लास. इन्वेस्टमेंट बेचते तो पैसा आता है, यानी कि हमारा 8,200 इन्वेस्टमेंट का पैसा आया, वो मैंने मेरे कैश एट बैंक में प्लस कर दिया. लेकिन वहीं पे 11,200 कौन ले गया? जेड का एग्जीक्यूटर ले गया. तो 11,200 मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी. अब जब मैंने इसको कैलकुलेट करा ना क्लास, तो मेरा आंसर आया माइनस में, माइनस 2,200. याद करिए, ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी कि जब भी एसर्ट्स में माइनस में आता है तो आप वो चीज एसर्ट्स में शो नहीं करते, क्योंकि माइनस की कोई टर्म एसर्ट्स में शो नहीं होती. वो आपका यहाँ आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड आ जाएगा, यानी कि आपने बैंक से उधार उठाया है 2,200 रुपए का. क्लियर है? इस पॉइंट को याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, ये मैं दूसरी बार करवा रही हूँ आप लोगों को, कि जब भी माइनस में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बैंक ओवर लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट से दिखा देते हैं. अब आप दोनों साइड देखेंगे, 1,61,000 आपका
आंसर आएगा। सो क्लास इस वीडियो में हम लोगों ने हमारे दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तीन तो नहीं कर पाए मैंने आपसे कहा था, लेकिन हाँ दो क्वेश्चन हमने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट करे हैं। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अब आगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको थर्ड फोर्थ जो भी बताने वाली हूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।